दामन के घर में हवा चाहिए, उनके दामन के घर में हवा चाहिए, उनके दामन के घर में। गुलाबों का जजर लगता है, अब बावजूद होके छूते हुए टक लगता है, बावजूदों के भी छूते हुए। बावजूदों के भी छूते हुए डर लगता है। देखिए शेर बहुत है लेकिन पढ़ूंगा नहीं, लेकिन लोग कहेंगे कि हरी हरी घास दिखाई दी है। आज ने टुकड़ा मुझसे मुसाफा के दौरान कहा तो भाई बहुत दिन से आपका इंतजार मैं कर रहा था, हजरत मैं आपके जमाले जहारा देखने का इंतजार मैं कर रहा था। मैंने बहुत धूम सुना था, बहुत धूम आपकी इस शोहरत हमारे अच्छा लगा। बोलो यार बहुत अच्छा, इनकी आज नाच अच्छी नहीं लगेगी तो भला किसकी। अभी भाई को देखिए मुझसे सुनिए, लहजा लहजा जैसे सुबह की खुशबू आसान है, जैसे सुबह की खुशबू आसान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चुम लूं, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चुम लूं। कि अब आता हूँ हबीबुल्लाह फैजी के मार्गा में और ये शेर लेकर कि वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है, वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। ए मियां ये नात है इसमें अदब चलता है, ए मियां ये नात है इसमें अदब चलता है। वो मदीना है इसे मिस्र का बाजार न जाना, ये मदीना है इसे मिस्र का बाजार न जान। यहाँ हुस्न नहीं उसने तलब चलता है, यहाँ हुस्न नहीं उसने तलब चलता है। नात के हवाले से बहुत सारे अशारे लेकिन नहीं पढ़ूंगा, इतने वक्त नहीं है। ऐसा है कि इस वक्त शेख है तरीका, फिर इस तरीका में बड़े लोग हो। अजब शेख बैठा हो तो बात भी शेख वाली होनी चाहिए। मुझे वो इजाज़त हासिल हजरत, मैंने शेख आदम के साथ जलसा किया, मैंने सरकारी कला के साथ जलसा किया, मैंने अल्लामा हाशमी मियां के साथ जलसा किया, मैंने हुजूर अल्लामा राशिद मक्की के साथ, और अब नई नस्ल के जितने शहजादगान हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़त हासिल मैंने किया। लेकिन अब शेर सुनिए, वो शेर सुनाता हूँ जो कभी मैंने शेख आदम के मार्गा में पेश किया था। वो शेर उनके नाती के हवाले करता हूँ, इजाजत है? कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद में किसी की तरफ नहीं देखा। खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैं किसी की तरफ नहीं देखा। अब तेरा इंतजार लाजिम था शायद, तेरा इंतजार लाजिम था शायद, तमाम उम्र जिंदगी की तरफ नहीं देखा, तेरा इंतजार लाजिम था शायद, तमाम उम्र जिंदगी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र जिंदगी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र जिंदगी की तरफ। अब अच्छा ये पैसा नहीं है, यह जीवन का तोहफा है। इसमें के निस्बत के शर्मता ये नोट नहीं है, ये निस्बतों का हिमालय है। मैं इसको सबसे ऊपर रखता हूँ कहीं दूसरे में ये जमला हो जाए। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कचरा समुंदर में मिलकर अपनी हैसियत खो गई। मैं बाबू शेर सुनिए, एक शेर हजरत आपके बारे में है। बाबू शेर सुनो, कभी कभी मूड बनता है हजरत को देख के अभी अभी बना दीवानी कभी कभी रंग में आता है। शेर सुनो, भाई के छोड़ दे, छोड़ दे। आपके लिए हजरत ये मोहनी सूरत, जब नबी का बेटा इतना खूबसूरत है तो मेरे शेर देता हूँ। शेर सुनिए हजरत जामी मियां साहब, शेर सुनिए। हजार बार कहूँगा मैं, एक बार नहीं। मार्बल का शेर है, हजार बार कहूँगा मैं, एक बार नहीं कि मेरे यार के जैसा किसी का यार। हजार बार कहूँगा मैं, एक बार नहीं। अच्छा लग रहा भैया हैदर भाई। हजार बार कहूँगा मैं, एक बार नहीं कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। अच्छा कारी मोती रहमान साहब अगर मुस्कुरा कर कह दीजिए तो एक शेर हजरत के बारगाह में करो हजरत के जमाने जहारा का दिला कीजिए। अब शेर सुनिए, ये पढ़े पूरा मजमा बोलो, पूरा मनमा बोले सुभान। ये शेर आपके हवाले करता हूँ, ये ज़ात गुलाबों का शजर लगता है, ये गुलाबों का शजर लगता है, ये गुलाबों का शजर लगता है, अब बावजूद हो के छूते हुए टक लगता है, डर लगता है बावजूद हो के भी छूते हुए। बावजूद हो के भी छूते हुए डर लगता है। देखिए शेर बहुत है लेकिन पढ़ूंगा नहीं, लेकिन लोग कहेंगे कि हरी हरी घास दिखाई दी है। हजरत ने किबला मुझसे मुसाफा के दौरान कहा कि भाई बहुत दिन से आपका इंतजार मैं कर रहा था, हजरत मैं आपके जमाले जहारा देखने का इंतजार मैं कर रहा था। मैंने बहुत धूम सुना था, बहुत धूम आपकी शोहरत। हमारे बिल्कुल खालिद भाई ने कहा था कल रात हजरत ने तो तहलका मचा दिया। हम कहा कल तहलका मचा, आज हलचल मचे। जुमले बात ये जुमला सरकार है ना, जुमला सरकार ये जुमलेबाजी वाली सरकार, इधर नहीं जाना चाहता। अरे तो एक सरकार है 5 साल की जो कब गिर जाए कोई ठीक नहीं। गरीब नवाज की सरकार तो कयामत तक, गरीब नवाज की सरकार तो कयामत तक। दोस्तों वक्त नहीं है, मैं थोड़ा सा जुमले से आंख मिचोली कर रहा हूँ। फसाहत और बलागत की दहलीज पे 2-4 कदम रंजा हो जाऊंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि बारगाह आलिया में तोहफा पेश करूं। हबीबुल्लाह फैजी साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छा भाई यार, बहुत अच्छा भाई है, इतना अच्छा शेर पढ़े थे। हबीबुल्लाह भाई एक शेर सुनाता हूँ आपको। शबनम हफीज गुल है, शबनम हफीज गुल है, खजाओं के सर कटे, अन्नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे, गुनाहों के सर कटे। देखिए अब मैं अब हजरत के बारगाह आलिया में जाऊँ, इनके बाप दादाओं का सदका खा खा के 35 साल से स्थित की दुनिया में, उम्र मत पूछिएगा, 35 साल स्थित की दुनिया हो, लगभग 85-86 में आया। उस वक्त स्थित की दुनिया में मेरी पैदाइश, स्टेज पे पैदाइश स्टेज की दुनिया में, माँ के कोख से नहीं, आपस की कोख से, आगे कोर्ट से तो मैं 1960 में आ गया। इधर देखो, इधर देखिए, मैं हजरत के बारगाह आलिया में आता हूँ। देखिए बड़ों की तारीफ जबान कमा हक को नहीं कर सकती, कितनी भी जबान में चला लो, कितनी भी जबान दराजी कर लो, नहीं कर सकता कमा हक को। एक नबी के बेटा की तारीफ कहाँ से जबान कर सकते? हम तो बया खाली भाई मौला खाली बराबर कहता हूँ। सुनिए, जितना मजमा है ना, ये जितने लोग हैं सब नबी के दर वाले हैं, है ना भाई? मैं भी नबी के दर वाला हूँ। ये सब के सब नबी के दर वाले हजरत है, नबी के दर वाले। अब तो दर वाले से सुन रहे थे, अब घर वालों से सुनिए। दर वाला पता अगर बताएगा तो मुमकिनात में शामिल होकर भटक जाएगा कि घर वाला घर बताएगा जब तक कमाहत न हो सके। हम चाहते हैं कि ये नबी का तस्करा नबी के बेटा से सुन ले, नबी की बात नबी की औलाद से सुन ले। एक जुमला देता हूँ, कुरान क्या है? कुरान थ्योरी है, आले मुस्तफा प्रैक्टिकल। तो हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली है, अब प्रैक्टिकल को सुनते हैं। पूरी दुनिया प्रैक्टिकल की तरफ भाग रही है, तो हम चलते हैं उसी बारगाह आलिया में। ये शख्सियत अपनी जात में तनहा एक अंजुमन, जो बैकवक्त चरखत तसव्वुफ का दरकशींदा सितारा भी, दर्स तदरीस का रोशन मीनार भी, गुलशन इस्लाम का महकता फूल भी, महफिल खानका की आबरू भी, वज़्न औलिया में उन्वाने गुफ्तगू भी, मसनद खताबत पे छा जाने वाला ताबिंदा कमरवाला, यानी पीरे तरीक़त रहे बरे राह शरीयत हामिय सुन्नत माहिय बिदअत पाक में हिकमत आकाई मुर्शिदी सैयद शाह मोहम्मद जामी अशरफी अशरफुल जिलानी साहब पूरा अदालत का तो कुदसिया वज़वानिया, जिनका नानी हाली रिश्ता भी और दादी हाली रिश्ता भी का चौथा मुकद्दस। ये मेंबर रसूल पे हजरत जलवा कर है, बड़ी अकीदतों के साय में इस शेर के साथ दावत इश्क फिराक गोरखपुरी की जबान में, अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, मैं ममलिकते लहू कलम बांट रहा हूँ। अहले दबाओ ये जागीर संभालो, मैं ममलिकते लहू कलम बांट रहा हूँ, शेर मेरा पूरा खोल गया, जिसका शेर कहीं का पहुँचूंगा, लेकिन आइए हजरत का इस्तेमाल कर सुनिएगा। जी जी, अरे सुनोगे? बाल बहुत है लेकिन लुटाऊंगा। फिर किसी जलसा बुलाइए, कारी मोती रहमान साहब ने फिर कभी घंटी बजाई, मेरी नहीं मोबाइल की। कभी सुन्नियों की घंटी कोई किसी के माइक के नाम नहीं बजा सकता। कल एक जलसा में किसी ने कहा कि 12 बज गया, तब 12 कभी सुन्नियों को तो बजता ही नहीं। तो हम तो सब 12 ही वाले हैं, समझिएगा कैसे? हम तो 12 का सदका खाते हैं। तो आइए, हजरत की आमद है, पूरा मजमा हाथ उठाए, जितने हैं सब आले नबी के नाम पे हाथ उठाए, औलाद नबी के हाथ उठाए, नाम पे हाथ उठाइए और हाथ को ऐसे हिलाइए, ऐसे हिलाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, मैदान गरीब नवाज, आजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत की ज़ियारत खिताबत मुश्तरका तौर पे आप फायदा उठाइए, महसूस होइए।